नमस्कार साथी, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रौनक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत करने से पहले, अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए नए अपडेट मिलती रहेगी और नए नए टारगेट, नए नए व्यूज़ मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज 7 अक्टूबर, अभी 3:30 बज रहे हैं, मार्केट ऑफ हो चुकी है, ठीक है। मगर एक शेयर के अंदर ऐसा मूवमेंट बढ़ा है एकदम से कि मुझे लगता है कि उस शेयर के अंदर आप देखते हैं इसमें अप ट्रेंड के मूव आए हैं। इसमें डेफिनेटली मैं आपको 15 से 20 दिन के जो टारगेट देने वाला हूँ, उस टारगेट में आपको 15 से 20 दिन में सारा टारगेट अचीव होंगे। तो आज कल जो स्क्रैप न्यूज़ आई थी, तो उसके चलते हुए सारा ऑटो सेक्टर के अंदर तेज़ी थी। ऑटो सेक्टर की तेज़ी और फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका, जिसके तहत ऑटो सेक्टर की बिक्रियां जिस तरह से बढ़ी हैं, ठीक है। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर जो तरह से ऑटो सेक्टर को लिया जा रहा न्यूज़ आई है, तो अब देखिए ऑटो सेक्टर बढ़ेगा तो ऑटो सेक्टर के साथ साथ जो ऑटो कंपोनेंट जो बनाती कंपनियां, उनकी डिमांड तो ऑटो, उनकी भी तो सेल्स बढ़ेगी। तो ये एक दूसरे के पैलर हैं। तो उसमें से मदरसन सुमी लिमिटेड, तो उसके अंदर जो आज तेज़ी आई है, समझते हैं उस तेज़ी का वजह है, और तेज़ी कितनी बढ़ेगी ये समझते हैं। तो ये देखिए, मैंने गूगल पर मदरसन सुमी लिमिटेड को ओपन कर रखा है, ठीक है। तो आज ये अभी ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अभी 3:28 हो रहे हैं, अभी ये ट्रेड कर रहा है, 5.5% की तेज़ी से ट्रेड कर रहा है इस टाइम पर ये, ठीक है। अब इसका ओवरव्यू समझते हैं। ये आज ओपन होता है 225 रुपये, ये देखिए 225.80 रुपये का ओपन होता है, हाई मारता है 239.50 रुपये का मारता है और 225 रुपये का लो मारता है। इसका 52 हाई है 270.85 रुपये का, 52 लो है 103 रुपये का। ये तो ओवरव्यू है, ठीक है। तो कंपनी का काम क्या है, मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड का, तो बेसिकली कंपनी किस में कंपनी है, ऑटो कंपोनेंट का पार्ट बनाती कंपनी। मदरसन सुमी के बारे में हर किसी ने सुना हो कि मदरसन सुमी काफ़ी बड़ा वेंचर है, ठीक है। अब इसका समझने का भैया, अब मदरसन सुमी में इतनी तेज़ी और क्या चार्ट पर कोई ब्रेकआउट आ रहा है जिससे तेज़ी आ रही है, क्या इसमें अभी भी सही समय बाय करने का, क्या अब ट्रेंड आएगा इसमें, ठीक है। मैंने टाटा मोटर्स की आपको कॉल दी थी 4 दिन पहले, तो उसमें भी मेरे सारे टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो डेफिनेटली इसमें भी टारगेट जो देने वाला हूँ आपको 15 से 20 दिन में सारा टारगेट अचीव होंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, अभी समझते कि भाई मदरसन सुमी में अभी कितने का बिजनेस हो चुका है अभी तक। ये मैंने NSE की साइट ओपन कर रखी है, तो NSE के अंदर ये देखिए मदरसन सुमी के अंदर देखते हैं कितनी डिलीवरी अभी तक उठा चुके हैं। तो मदरसन सुमी में 3 बजे तक डिलीवरी उठ चुकी है 42% की, अभी जो अपडेट है, ठीक है। तो 3 बजे तक यानी 3 बजे तक इसमें डिलीवरी उठा चुके हैं, 42% की डिलीवरी उठा चुकी है, काफ़ी अच्छी डिलीवरी उठाई गई है, क्योंकि हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है। चार्ट पे मैं आपको दिखाऊँ किस तरह से हैवी वॉल्यूम बना है, ठीक है। तो NSE की साइट पर जो अभी डेटा दिखा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज पे साइड पे जो दिखा रहा डेटा, अभी 42% डिलीवरी उठा दी गई है अभी तक, ठीक है, ट्रेड हो चुकी क्वांटिटी। आप समझते हैं मदरसन सुमी का ओवरव्यू समझते हैं। तो ये देखिए मदरसन सुमी का जो ओवरव्यू है इसका, यानी कि PE रेट भी काफ़ी अच्छा है मार्केट में, देखिए 135.64 है, ठीक है, PE रेट इसका है। EPS भी अच्छा चल रहा है इसका, मार्केट कैप है 74,637 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड दिया कंपनी ने अभी 0.63% का डिविडेंड दिया है, ठीक है। फेस वैल्यू कंपनी की 1 रुपये की है। ये कंपनी का ओवरव्यू था, ठीक है। कितना ये देखिए टेक्निकल रेटिंग जो आ रही है, वेरी बुलिश ट्रेंडिंग आ रही है टेक्निकल रेटिंग इसकी। मैं आपको इसका क्वार्टरली चार्ट का थोड़ा एनालाइज करके बताऊंगा। बाकी देखिए इसमें 75% हमें एनालाइजर बोल रहे हैं इसमें बाय करने के लिए, 19% हमें बोल रहे हैं सेल करने के, 6% हमें बोल रहे हैं होल्ड करने के लिए। यानी कि बाय और होल्ड के लिए 80+ लोग हैं जो हमें बाय और होल्ड के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी इसमें टारगेट भी काफ़ी अच्छे आने वाले हैं आने वाले समय में। देखिए इसका रेवेन्यू क्वार्टरली समझते हैं पहले, तो इसका रेवेन्यू जो क्वार्टरली था, यानी कि देखिए दिसंबर के अंदर इसका 17,092 करोड़ था रेवेन्यू, वही मार्च के अंदर इनका 16,971 करोड़ था, वही जून के अंदर इनका रेवेन्यू जो जनरेट हुआ था वो था 16,157 करोड़ का। अब इसका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, ये देखिए थोड़ा सा डाउन हुआ था मार्च क्वार्टर के बाद, यानी दिसंबर क्वार्टर का सर डाउन हुआ, क्योंकि देखिए अब फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हुआ है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को सारे व्हीकल्स को लेके अब डिमांड बढ़ेगी, तो कंपोनेंट भी बिकेंगे, तो इनके सेल ऑटोमेटिक बढ़ेगी, क्योंकि कोविड के चलते सेंगी
ऑटो सेक्टर की डील यानी कि कोई लोग खरीद नहीं पा रहे थे कोविड के चलते, इफेक्ट तो आया था ऑटो सेक्टर के अंदर। एपीएस देखिए इसका, यानी वही दिसंबर के बाद से डाउन हुआ है। अब जो जून क्वार्टर, जून सितंबर क्वार्टर रिजल्ट आएगा उसमें एपीएस अच्छा मिलेगा, रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा। अब ईयर, ये ईयर वाइज देख लेते हैं, यानी कि ज़्यादा गिरावट नहीं आई इनके रेवेन्यू के अंदर। ये देखिए 19 के अंदर इनका 63,522 करोड़ का रेवेन्यू था, वहीं 2020 के अंदर इनका रेवेन्यू 60,000 था, यहाँ 21 के अंदर 57 करोड़ का रेवेन्यू था। तो ये ज़्यादा नहीं है, कुछ रेवेन्यू बस 3-4 हज़ार रेवेन्यू और डाउनफॉल है, बाकी कोई अच्छा नहीं। कंपनी रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है, प्रॉफिट भी देखिए, देखिए 2020 के अंदर इनका प्रॉफिट 887 करोड़ का था, वहीं 21 के अंदर इनका प्रॉफिट बढ़ा था, यानी कि पिछले साल से इन्होंने प्रॉफिट अच्छा किया था। इनका ईपीएस भी ग्रो हुआ ईयर ईयर वाइज भी देखिए, ये देखिए 3.71 ईपीएस था, वहीं ईपीएस 2329 हो गया था, 3.29 हो गया था। तो ईपीएस में भी ग्रोथ है और कंपनी धीरे धीरे अपना कर्जा कम कर रही है, ये भी अच्छी बात है। आरओए भी बढ़ रही है धीरे धीरे, यानी आरओए से भी कम कर रही है कंपनी, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, इसमें 61% होल्डिंग है प्रमोटर की, पब्लिक के पास है ओनली 8.DIs के पास है, इनके पास 13 FIs के पास, यानी कि देखिए समदर्शन सुमी के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर और प्रमोटर, इनके पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। क्योंकि इस कंपनी के जो प्रमोटर, उनको पता है कि भैया इस कंपनी की ग्रो है, कंपनी काफ़ी लॉस मेकिंग जाए, कंपनी का वर्किंग सब कुछ अच्छा है, इसलिए म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट है। बाकी देखिए आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, ओनली 8.5% ओनली पब्लिक के पास है, ठीक है। तो ये है, बाकी कंपनी का अपने खुद का वेंचर है। आप समझते हैं, एक और न्यूज़ आई थी इसके अंदर, तो मदरसन सुमी ने कमर्शियल पेपर अलॉट किया था, ये देखिए मदरसन सुमी ने 100 करोड़ का कमर्शियल कराते हैं उन्होंने, ठीक है, कमर्शियल पेपर अलॉट किया था किसके लिए, आईसीआर प्रोडक्शन लिक्विड फंड के लिए अलॉट किया था 3.70% के उसमें रेट पे, ठीक है। ये देखिए ये न्यूज़ आई थी 5 अक्टूबर को मदरसन सुमी के अंदर, उसके बाद से कंपनी के में अब ट्रेंड आ चुका था। अब समझता है टिकट टाइप की साइड पे इसका ओवरव्यू क्या रखा है, तो ये देखिए कंपनी में 75 एनालिसर में बोले बाय करने के लिए, पीई रेट 67 है, ठीक है, ऑटो कंपोनेंट की कंपनी, ये आपको समझाई दिया था। ये देखिए ईयर ईयर वाई भी कंपनी का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये है ओवरव्यू, अब समझते हैं भाई चार्ट पे क्या आ रहा है, चार्ट के अकॉर्डिंग ऐसा क्या है कि इसमें बाय करना चाहिए, चार्ट के अकॉर्डिंग क्या नहीं, ये समझते हैं पहले आपको। अभी मैंने डेली चार्ट ओपन कर रखा, अब डेली चार्ट पे देखिए ब्रेकआउट जो बना, आज देखिए ये जो कैंडल इन्वर्टेड हैमर कैंडल बुलिश ट्रेंड हो रही है यहाँ पे आज, तो ये जो कैंडल ट्रेड हो रही है, ये कैंडल जो ट्रेड हो रही है, देखिए कितने हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रही है, इसका RSI MACD और RSI MACD दोनों अब ट्रेंड की तरफ आ चुके हैं। तो इसने अभी तक ये जो अभी जो कैंडल जो बनी है आज ये 2 मंथ्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये देखिए सारी कैंडल इसके अंडर में चल रही है इस टाइम पर, यानी 2 मंथ्स के ऊपर लेवल कैंडल्स के ऊपर चल रहा है, यानी 2 मंथ्स के 2 मंथ्स का हाई पे आज ये शेयर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 2 मंथ्स तक इसमें 335 का ऊपर गया था, इसने 2 मंथ्स का लेवल भी ब्रेक करा, 2 मंथ्स का हाई ऊपर, देखिए ये जो पैटर्न जो बन रहा है, ये देखिए इस कैंडल पे, यानी कि ये कैंडल अगस्त में बनी थी, अगस्त के बाद से आज ये अगस्त सितंबर अक्टूबर चल रहा है, यानी 2 मंथ्स का अब ट्रेंड चल रहा है शेयर के अंदर, 2 मंथ्स की हैवी वॉल्यूम, तो हम इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे, इसमें स्टॉप रखेंगे 220 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, आप बाय करिए। क्योंकि कल देखिए कल कुछ नहीं होता, कुछ इसमें थोड़ी बहुत गिरावट होगी, बट मुझे नहीं लगता इसके अंदर गिरावट होगी, मुझे लगता है कि इसमें अप ट्रेंड आएंगे, लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से अब ट्रेंड के तरफ, 220 के लेवल से नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग हो चुकी है अब इसके अंदर, ठीक है। तो अब ये जब ये 220 का लेवल पे हम अभी ये 236 रुपये पे ट्रेड कर रही है, ठीक है, ये दो महीने के अब ट्रेंड पे ट्रेड कर रहा है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, RSI MACD अब ट्रेंड था, अभी देखिए इस कैंडल पे सपोर्ट ले रहा है ये, तो इस कैंडल पे सपोर्ट लेगा तो पहले जो मेरा टारगेट आएगा वो आएगा 245 रुपये का, देखिए इस कैंडल को ख़त्म हो सके फिर इस कैंडल पे आ जाएगा ये देखिए ये कैंडल 245 तक की है, तो पहला टारगेट मेरा आएगा 245 का, जैसे ही ये कैंडल इधर सपोर्ट पूरी ख़त्म हो तो फिर अभी इस कैंडल पे पूरा, ये देखिए जून के अंदर सेम पैटर्न बनी, सेम कैंडल बनी हैवी वॉल्यूम के साथ, ये भी पूरा रेजिस्टेंस पूरा सपोर्ट के साथ काम कर रही है, तो जैसे ही ये कैंडल पूरा होगा तो पहले टारगेट तो मेरा 245 का है,
ठीक है, ये 15 से 20 दिन के अंदर सारे टारगेट अचीव होंगे आपके। पहला टारगेट 245 का, दूसरा टारगेट 250 का, क्योंकि ये कैंडल ही है 270 रुपये की कैंडल है, 270 तक की कैंडल है, इस कैंडल पर सपोर्ट ले रहा है। तो तीसरा टारगेट है 270 रुपये का, ठीक है, पहला टारगेट 245 रुपये का, दूसरा टारगेट 250 का, तीसरा टारगेट 260 रुपये का। इन तीन टारगेट के आप बाय करिए, पेशेंस बने रहिए। अभी आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, क्योंकि देखिए जो ये कैंडल बुलिश ट्रेंड हो रही है आज की डेट में हैवी वॉल्यूम के साथ साथ, ये इस कैंडल के साथ साथ चल रही है। देखो ये कैंडल पे इसने सपोर्ट लिया, क्योंकि ये कैंडल अभी 236 पे अभी शेयर ट्रेड कर रहा है, यही कैंडल 235 से स्टार्ट हो रही है, तो ये 270 तक गई है, ठीक है, एक ही दिन में इतना हब ट्रेंड होता है और हैवी वॉल्यूम के साथ। तो ये सपोर्ट इसको मिल रही है, तो पहला टारगेट आएगा 245 का, दूसरा टारगेट 250 रुपये का, तीसरा टारगेट 260 रुपये का। इन तीन टारगेट आप पेशेंस आप बने रहेंगे, 220 का स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। चार्ट के अंदर और भी है, अभी डेली वीकली चार्ट पर आप दिखाता हूँ, वीकली चार्ट पर भी ब्रेकआउट होने का तैयारी बैठा हुआ है। ये देखिए अब इसका वीकली चार्ट ओपन हो चुका है, ये देखिए ये जो क्रॉस मूविंग स्टार्ट होने वाली है, यानी 7 डेज को क्रॉस मूव करेगा, यानी कि पिछले लास्ट 3 वीक से शेयर अप ट्रेंड की तरफ ही है, ठीक है, यानी कि पिछले 21 दिन से शेयर अप ट्रेंड की तरफ है। ऐसा नहीं है क्योंकि गिरावट फॉल आ रहा हो, क्योंकि ये देखिए एक वीक की कैंडल ये बुलिश है, ये आज इन्वर्टेड हैमर कैंडल बुलिश ट्रेड हो रही है, ठीक है। उससे पहले लास्ट वीक इसमें हैंगिंग मैन कैंडल बुलिश हुई थी, उसके बाद अब इस वीक जो कैंडल इसमें बन रही है वो बन रही है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, तो ये भी अप ट्रेंड की तरफ है। ये देखिए इसका RSI पे MACD पे भी ब्रेकआउट आएगा वीकली उस पर, ठीक है, RSI पे वीकली पे अप ट्रेंड की तरफ है। तो डेफिनेटली इसमें बाय करिए, पेशेंस बने रहिए, क्योंकि ऑटो सेक्टर को लेके PLS स्कीम, ऑटो पार्ट्स के लिए PLS स्कीम में जो लॉन्च हुआ था उसके बाद से ही ऑटो सेक्टर, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में तेज़ी भग रही है। तो इस तेज़ी में पार्टिसिपेट करिए और अपने कैपिटल को मल्टी ग्रो करिए और अपने पैसों को डुप्लीकेट करिए। तो आप इसमें जो पहला 220 के स्टॉप लॉस साथ आप बाय करिए, 245 का पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 250 रुपये, तीसरा 260 रुपये, इन तीन टारगेट लिए बने रहिए, पेशेंस होल्ड रखिए। आई होप ये वीडियो आपको इस प्लेस, वीडियो को शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।